होली पर चढ़ा सियासी पारा। यमुनानगर में पहुंचे सीएम मनोहर लाल खट्टर ने होली मिलन उत्सव कार्यक्रम में मन से विधि संकल्प की बात की। वहीं उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए आने वाले 2024 मई में और अक्टूबर में भी ऐसी होली मनाने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी देश सेवा के लिए शासन करती है, न कि भोगने के लिए, जबकि कुछ लोग हैं वह केवल और केवल स्वार्थ की राजनीति करते हैं। जिस प्रकार रावण की जान नाभि में अटकी हुई थी, उसी प्रकार इन लोगों की जान सत्ता में बसी होती है। उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि हम व्यवस्था परिवर्तन का काम कर रहे हैं। जिस तरीके से होली का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत है, उसी तरीके से हमारे विरोधी भी इस समय तड़प रहे हैं, क्योंकि उन्हें सत्ता से बाहर हुए काफी समय हो चुका है। वे जैसे तैसे करके सत्ता को वापस लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और कोई भी हथकंडा अपना सकते हैं, क्योंकि चुनाव में जब भी थोड़ा समय बचता है तो ऐसी गतिविधियां, आंदोलन करना, इस प्रकार की हरकतें करते हैं। लेकिन हमने केवल और केवल जनता के बारे में चिंता की है। शासन जनता की सेवा के लिए कर रहे हैं। कांग्रेस ने 55 साल शासन किया लेकिन जनता की सेवा नहीं की। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लिए काम किया, राष्ट्र सेवक के रूप में काम किया, देश के चौकीदार के रूप में काम किया। सीएम मनोहर लाल ने शिक्षा मंत्री कंवल पाल गुर्जर और भाजपा के अन्य दिग्गज नेताओं के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ फूलों की होली खेली और इस दौरान मुख्यमंत्री भजन गाते हुए भी नजर आए। दो अवसर और आने वाले हैं, आप लोग इसी प्रकार की खुशियों की रंग बिरंगी होली मनाने के लिए तैयार रहो। जैसे बुराई खत्म होती है, अच्छाई की जीत होती है, तो एक होली तो आपने इस प्रकार की अगले मई में मनानी है और दूसरी होली अगले साल अक्टूबर में मनानी है। इसकी तैयारी आज ही करो, तैयारी को आज ही करो, क्योंकि लोकतांत्रिक रूपी जिसको गारंटी युद्ध है, इस युद्ध के अपने नियम है, उन नियमों के अंतर्गत हमने इस युद्ध को लड़ना है, जीतना है। क्योंकि जो आज तक के राजनीति चलती आई है, उस राजनीति के स्वार्थ की राजनीति है, उनकी जान एक जगह अच्छी होगी। जैसे रावण की जान कांच की थी, कांच की थी ना भी, और ये स्वार्थ की राजनेता होते हैं जिनकी जान सत्ता में अच्छी होती है। सत्ता अगर इनको मारना है तो सत्ता कभी भी उतरना जाए और अच्छे हाथों में सत्ता रहेगी तो सेवा का ये प्रवाह, सेवा की गंगा, सेवा का ये सागर लगातार चलता रहेगा। और इस मामले में यमुनानगर जिले के लोग कभी यहाँ कोई बड़ी समस्या की इन्होंने सामाजिक समस्या खड़ी नहीं की, केवल इसलिए कि परस्पर प्रेम है, प्यार है, भाईचारा है। जो हमारा भाईचारा बना है, ऐसे अवसर पर हम उसी का संकल्प लेकर के दिशा आपकी क्या है, उस दिशा को सही मायने में देखते हुए हम अपने आप को तो त्याग कर ही रहे हैं, हमारे इर्द गिर्द समाज के सब लोग हैं, उनमें ये संदेश दिया है। होली के त्योहार के ऊपर हम इसी प्रकार का संकल्प लेकर के आगे आने वाले समय में विजय का संकल्प, जीत का संकल्प, अन्याय के ऊपर न्याय की विजय, बुराई के ऊपर अच्छाई की विजय, झूठ के ऊपर सच की विजय, इस विजय को लेकर के चलने के लिए होली के अवसर पर संकल्प लेकर के आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।